इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार। अप्रैल के पहले हफ्ते में एतवार के रोज इलेक्शन कराने की तजवीज पर गौर। आम इंतखाबात से मुतालिक हतमी फैसला गवर्नर्स के सुपुर्द। इलेक्शन कमीशन आइंदा दो हफ्तों में मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन एक से ज्यादा पोलिंग डे की तजवीज गवर्नर्स को अरसाल करेगा। इलेक्शन कमीशन जराए। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान की जानिब से इंतहाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी गई। ताखिर से अखराजात की तफसीलात फराहम करने के अमल को दरगुजर किया। इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वजीर आला को नहीं चलने देंगे, परवेज इलाही कहते हैं। वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे, हमें इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का इल्म है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की लाहौर में कुरान करीम पोर्टल के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात सियासी होती है तो वह हल्के तक महदूद नहीं रहती, सूबा या पाकिस्तान होता है। हम मेहनत करते हैं, अल्लाह की जानिब से फैसला आएगा। तमाम जमातें मुआशी एजेंडे पर फैसले करें और मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस करें। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा, चौधरी परवेज इलाही से बात इस हद तक जा पहुंची है कि घर के अंदर तकसीम के लिए दीवार बनाने की बातें होने लगी। मैंने कहा, ऐसी दीवार तो मैं नहीं बनने दूंगा। दीवार बनाने का मकसद इमरान खान को यकीन दिलाना था कि हम अलहदा हैं। पीडीएम जमनी नहीं बल्कि अक्टूबर का जनरल इलेक्शन लड़ेगी। इमरान खान 35 हलकों से इलेक्शन लड़ें या 70 से, इस मरतबा इमरान खान का पट्टा खोल देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया टॉक। कहा, वो नवाज शरीफ से पार्टी के तंजीमी मामलात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रहनुमाई लेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ऐलान किया है कि नशस्तों पर होने वाले जमनी इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेगी। पीटीआई का कराची के बलदियाती इलेक्शन कालअदम करार देने का मुतालबा। कराची को हर तरीके से दीवार के साथ लगाया जा रहा है, असद उमर के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में बलदियाती इलेक्शन बार बार मुलतवी किए गए। कराची में हमारे मैंडेट को धौंस जबरदस्ती और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। हमारे उम्मीदवार ने एक वीडियो बनाई कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाकर बैलेट पेपर्स पहुंचाए। ये धांधली सामने लाने वाले उम्मीदवार और उसके दो भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। बलदियाती इलेक्शन जमात इस्लामी और पीपी में पहली मुलाकात, मेयर कराची के लिए इत्तेफाक न हो सका। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बलदियाती इलेक्शन के नतीजे पर हमारे शदीद तहफ्फुज़ात हैं। सईद गनी यहां आए और उन्होंने यकीन दिलाया है कि जहां जहां ये चीज़ें बेहतर बना सकते हैं बनाएंगे, जहां हमें लगा हुकूमत अपना असर नहीं डाल रही तो बातचीत बढ़ा सकते हैं। ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान में हमला, दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान और ईरान के लिए दहशतगर्दी एक मुश्तरका मसला है, तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। दहशतगर्दों ने ईरान की जमीन को पाकिस्तान में सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तेहरान इस मामले पर कार्रवाई करेगा। चीन का समुद्र में दुनिया की सबसे बुलंद हवाई टरबाइन बनाने का ऐलान। चीनी टरबाइन 70 मंजिला इमारत से भी बुलंद होगी। एक टरबाइन टावर 18 मेगावाट बिजली बना सकेगा। कोयल जैसी मधुर आवाज, गुलकारा महनाज बेगम की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। महनाज बेगम ने 350 से ज्यादा फिल्मों के लिए 500 से ज्यादा नगमात रिकॉर्ड करवाए। महनाज ने 1977 से 1983 तक मुसलसल 7 साल तक निगार अवार्ड हासिल किए, जो एक मुनफरिद आजाद है।